अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज दिन है जुमेरात और हमारी तारीख है 9 सितंबर। हमारा आज का जो मज़मून है वो है माशरती उलूम और हमारा सबक है सकाफत। हम आज की पढ़ाई करेंगे सफ़ा नंबर 17 और 18 की। जैसे कि हमारे पिछली दफ़ा ऑनलाइन लेक्चर्स गए थे, हमने पिछली दफ़ा जो जो पढ़ा था उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगी। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सकाफत क्या होती है। सकाफत का मतलब होता है कल्चर, हमारे रहने सहने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका और हमारे खाने पीने का तरीका। हमने पढ़ा था सकाफत में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। सकाफत में आ जाती है ज़बान, लिबास, पकवान, मेले और त्यौहार। ज़बान, ज़बान का मतलब क्या है? ज़बान जैसे हर इलाके की, हर मज़हब, हर सूबे की ज़बान अलग अलग होती है। जैसे हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, हम उर्दू में बात करते हैं। आगे लिबास, लिबास भी जो होता है हर इलाके, हर सूबे का अलग अलग होता है। हाँ, जैसे हमारा जो कौमी लिबास है वो शलवार कमीज, बलोची वगैरह, लंबे लंबे कुर्ते वगैरह पहनते हैं। इस तरह के लिबास हर किसी के मुख्तलिफ होते हैं। आगे है पकवान, पकवान भी सबके अलग अलग होते हैं। जैसे गोश्त से कढ़ाई बनाते हैं, मीठे में खीर होती है, हर इलाके का पकवान जो होता है खाना अलग अलग होता है। आगे है मेले और त्यौहार। त्यौहार के बारे में हमने कल पढ़ा था कि त्यौहार 3 किस्म के होते हैं, इलाकाई, मजहबी और कौमी। इन त्यौहारों के बारे में पढ़ा था कि ईद उल फितर एक त्यौहार है, 14 अगस्त एक त्यौहार है और मेले, जैसे कि आप जानते हैं कि मेला बचपन में लगता था और हम वहाँ पर जाकर झूले होते थे, खाने होते थे और बहुत सारी चीज़ें खरीद भी सकते थे। हमने इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक है मज़हबी हम आहंगी। इसका मतलब होता है कि हमारा जो पाकिस्तान है उसमें बहुत सारे मज़हब और सूबे हैं। जैसे यहाँ पर रहते हैं हिंदू, सिख, मुसलमान और सारे जो लोग होते हैं वो मिलकर इसमें रहते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता है जहाँ दुनिया के बेशतर मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। इनमें मुसलमान, मसीही, हिंदू, सिख, बुद्ध और पारसी वगैरह शामिल हैं। जैसे मैंने भी बताया कि पाकिस्तान में बहुत सारे मज़हब के लोग इकट्ठे रहते हैं और उन सबको अपना अपना हकूक दिया जाता है और इन सब के जो हमारे झंडे होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। यहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं। जैसे बताया पाकिस्तान में मुसलमान बहुत कम तादाद में अक्सरियत में हैं। हिंदू, सिख और बुद्ध और पारसी ये ज़्यादा अक्सरियत। पाकिस्तान में अकलियतों की बुनियाद हकूक हासिल है। जैसे हम रहते हैं मुसलमान हैं, हमें भी इस पाकिस्तान में अपने हकूक दिए जाते हैं। हमारे भी अपने अलग अलग हकूक हैं और हमें इन हकूक को हकूक से कोई नहीं रोक सकता। इसका इजहार कौमी परचम में सफ़ेद रंग से ज़ाहिर होता है जो अकलियतों की नुमाइंदगी करता है। उन्होंने कहा जैसे पाकिस्तान का एक अलग झंडा है, हमारे झंडे में 2 रंग हैं, सब्ज और सफ़ेद। जो सफ़ेद रंग है वो किसको, वो अकलियतों को ज़ाहिर करता है और जो सब्ज रंग होता है वो अक्सरियत को ज़ाहिर करता है। तो जैसे हमारा झंडा है वैसे ही हर मज़हब का और हर सूबे का अलग अलग झंडा होता है जिससे हमारी पहचान होती है। पाकिस्तान में अकलियतें आज़ादी से ज़िंदगी गुजारते हुए अपने कायदे और रस्म व रिवाज पर अमल करती हैं और त्यौहार मनाती हैं। जैसे हमारा पाकिस्तान है, हम मुसलमान हैं, हमारे त्यौहार अलग होते हैं और हम पाकिस्तान में रहकर अपने त्यौहार बहुत अच्छी तरह जोश खरोश से मनाते हैं। आप मुसलमानों के त्यौहारों के मुतालिक पढ़ चुके हैं, आइए दीगर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के त्यौहारों के बारे में जानते हैं। हम अब मुसलमानों के त्यौहारों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, ईद मिलादुन्नबी। अब हम पढ़ते हैं जो दूसरे मज़हब के लोग हैं उनके त्यौहार कौन कौन से होते हैं, जैसे क्रिसमस, दिवाली, होली, ये सब दूसरे मज़हब के लोग के त्यौहार हैं। अब हम जानते हैं कि ये लोग किस तरह त्यौहार मनाते हैं। क्रिसमस मसीहों का त्यौहार है जो 25 दिसंबर को इंतहाई जोश खरोश से मनाते हैं। वो अपने घर सजाते हैं। जैसे हम अपनी ईद उल अज़हा, ईद उल फितर बहुत जोश खरोश से मनाते हैं। ईद उल फितर पे हम ईद की नमाज़ पढ़ के सेवियाँ खाते हैं, मीठी चीज़ दूसरों के घर जाते हैं और मिठाइयाँ लेकर जाते हैं। इसी तरह ये जो क्रिसमस है ये मसीहों का त्यौहार होता है और ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। वो भी हमारी तरह इसे जोश खरोश से मनाते हैं। मजहबी तकरीबात अदा करते हैं और दूसरों को तहाइफ देते हैं। क्रिसमस में लोग, जो मसीह लोग होते हैं, वो एक दूसरे के घर जाते हैं, उनको तहाइफ देते हैं और अपने घरों को सजाते हैं। इसी तरह सिख मज़हब के लोग अपने नए साल का आगाज़ बैसाखी मनाते हैं, मज़हबी गीत गाते हैं, मोमबत्तियाँ रोशन करते हैं और मुख्तलिफ़ रस्मात अदा करते हैं।
इस त्यौहार पर नए कपड़े पहनते हैं, घरों के अंदर चिराग जलाते हैं, दावतें करते हैं और आपस में तहाइफ का तबादला करते हैं। जैसे हम लोग अपना मजहब मनाते हैं, वैसे ही सिख लोग भी अपना बैसाखी मनाते हैं, जिसमें वो अपने घरों को सजाते हैं, दूसरों के घर जाते हैं, नए कपड़े बनाते हैं और दूसरों की दावतें करते हैं। ऐसे ही एक हिंदू का त्यौहार है होली, ये रंगों का त्यौहार होता है और हिंदू ये होली मनाते हैं और ये भी इनका एक त्यौहार है जिसे वो बहुत जोशो खरोश से मनाते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है पाकिस्तान की मतनऊ सकाफत। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान में बहुत से सूबे हैं, जैसे पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ये सारे मिलकर एक पाकिस्तान में ही रहते हैं। तो ये जो सबकी एक कल्चर मिलकर जो है वो हमारी मतनऊ सकाफत कहलाती है। पाकिस्तानी सकाफत के मुख्तलिफ अंदाज हैं, जैसे पंजाबी, सिंधी, बलोची, कश्मीरी, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत वगैरह। इसमें हमारा ताल्लुक किसी भी ग्रोह से हो, हम सब पाकिस्तानी हैं और एक कौम है। जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम चाहे जिस भी मज़हब, जिस भी इलाके से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन हम पाकिस्तानी ही कहलाएंगे और हम एक कौम हैं। पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है जहां हम आज़ादी से ज़िंदगी गुजारते हैं। पाकिस्तान हमारा वतन है जहां से भी ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन हमारा जो वतन है वो एक ही है, वो है पाकिस्तान। और हम पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजारते हैं और हमें यहाँ पे अपने सारे हकूक हासिल होते हैं। हमें फ़ख्र है कि हमारा वतन पाकिस्तान है और हम पाकिस्तानी हैं, और हमें इस बात का फ़ख्र होना चाहिए कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और हम पाकिस्तानी कहलाते हैं। अब आपको ये आज की सब पढ़ाई थी, अब आपको इसमें से MCQs दिए गए अपने असाइनमेंट्स में, आपने इसमें से MCQs फाइंड आउट करके उसके अंदर हल करने। शुक्रिया।